नमस्कार, स्नैक मिल किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के ढोकले। इसे आप सुबह के नाश्ते या शाम को चाय के साथ में भी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं। तो हम ढोकले बनाना शुरू करें इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। सूजी के ढोकले बनाने के लिए हम लेंगे 2 कटोरी सूजी और 1/4 कप चावल का आटा, और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1/4 चम्मच के करीब नींबू का सत, जिसे हम नींबू का फूल भी बोलते हैं, हम इसमें मिला लेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच नमक और 2 चम्मच के करीब चीनी। चीनी के डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी खट्टा दही, और इसके बाद हम इन सबको अच्छी तरह मिला लेंगे। और सबको अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, ज़्यादा पानी एक साथ में नहीं डालना है इसमें, नहीं तो घोल में गांठें पड़ जाएगी। ये देखिए, हमें पानी कम कम ही डालना है इसमें, और इस तरह का एक घोल तैयार करना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल, और इस तेल को भी हम अच्छी तरह मिला लेंगे। और तेल को अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इस घोल को कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और अब हमने एक इस तरह का बर्तन लिया है, इस बर्तन में हम तेल लगा लेंगे अच्छी तरह से, ताकि सूजी की ढोकली इसमें चिपके नहीं। इसकी जगह आप कोई केक का टिन हो या कोई इस तरह और कोई बर्तन हो तो वो काम में ले सकते हैं। अब हमने गैस ऑन करके उसके ऊपर एक इस तरह का बर्तन रखा, और उसके अंदर हमने कम से कम 3 गिलास पानी डालकर स्टैंड रख दिया। और अब हम इस स्टैंड के ऊपर हम वो बर्तन रख देंगे जिसमें हमने तेल लगाया था, और इसमें हम ढोकली को पकाएंगे। इसे हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक गर्म होने के लिए छोड़ देंगे पहले। और अब हम ढोकली में डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही हिलाना है, और अच्छे से इसको फेंट लेना है। ये देखिए, इसे कंटिन्यू हम एक ही तरफ से हिलाएंगे, और उसके बाद हम इसे जो गैस के ऊपर हमने बर्तन रखा था तेल लगा के, इस घोल को हम उसमें डालकर ढक्कन लगा देंगे, और कम से कम 15 मिनट तक हम इसे तेज आंच पर पका लेंगे। और 15 मिनट के बाद हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि ये पका है कि नहीं। और ये चेक करने के लिए हमने लिया है टूथपिक। आप अगर चाहे तो चम्मच या चाकू से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, हमने टूथपिक को इसके अंदर डाला था, और घोल बिल्कुल भी इसमें चिपक नहीं रहा। देखिए, आप देख रहे हैं, मैं इसे सब तरफ से लगा के आपको दिखा रही हूँ। ढोकले के पकने के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ढोकली ठंडी हो रही है जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। हमने गैस ऑन किया है, और उसके ऊपर हमने फ्राई पैन रखा है, और 2 चम्मच तेल डाल दिया। जब तेल गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब राई, और राई के अच्छी तरह पकने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। ये 3 हरी मिर्ची है जिसे हमने बीज निकाल कर काट लिया था, और अब हम इसे पकने देंगे। और हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, नमक के डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तिल। तिल से ढोकले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इन सबको अच्छी तरह मिला लेंगे। कम से कम हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे, और हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब देखिए, ढोकली ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे, और इसे थाली में निकालने के बाद हमने जो ग्रेवी तैयार की है वो हम इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह चारों तरफ फैला देंगे।
देखिए, हम इसे चम्मच की सहायता से चारों तरफ फैला लेंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये और कितना फूल चुका है ये। कटिंग आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं, चौकोर या कतली टाइप में, जैसा आप चाहे। तो अब देखिए ढोकली बनकर बिल्कुल तैयार है। आपको रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मेरी वीडियो को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका एक कमेंट और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।